फिर आता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होती है सुनिए, फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, पर हमें क्या लेना देना उन कंपनियों से जो इनकॉर्पोरेटेड, बट याद रखना आगे हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड तो कहाँ ही आउटसाइड इंडिया, बट हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ईदर थ्रू इट्सेल्फ और थ्रू इट्स एजेंट, ईदर बाय इट्सेल्फ और थ्रू इट्स एजेंट, वेदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, या तो खुद से होगा या अपने एजेंट के थ्रू। खुद से कैसे होगा, बाहर की कोई कंपनी खुद से कैसे बनाएगी, या कोई ब्रांच बना ले अपनी, ठीक है ना, या एजेंसी को और एजेंट के थ्रू फ्रेंचाइज दे देती है, एजेंसी दे देती है, जैसे मैकडोनाल्ड है, फेसबुक है, ट्विटर है, अलग 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 कंपनियां काम कर रही है ना, तो इन कॉब्स, कैंटाबिल, पेंटालून, इनमें से कई ब्रांड बाहर के हैं मेरे ख्याल, कैंटाबिल और पेंटालून, कैंटाबिल और कॉब्स तो बाहर का यही है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वेदर बाय इट्सेल्फ या तो खुद से ब्रांच खोल रखी हो और थ्रू एजेंट, वेदर ऑपरेटेड फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही है, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, है ना, और कंडक्ट एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, किसी भी तरीके से बिजनेस में बिजनेस एक्टिविटी कर रही हो इंडिया में, क्या मानी जाएगी, फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी बढ़िया से याद कीजिए, फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ईदर बाय इट्सेल्फ और थ्रू एजेंट, ईदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, और कंडक्ट एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। डन, पढ़िए से।